हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ डिज़र्ट। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो इस खुशी में मैं आपके लिए आज बनाने वाली हूँ कुछ बढ़िया मीठा। तो गाइस, मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ सूजी की खीर। तो गाइस, सूजी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको भगोने को गर्म करना है, जैसा कि मैंने गर्म किया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी वाटर। मैं 1/2 लीटर पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रखती हूँ गैस पर। अभी अच्छी तरीके से जब बॉईल हो जाएगा तो गाइस हमारा पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं अपनी सूजी। तो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ, सूजी की खीर बनाने के लिए आपको सूजी को भूनना नहीं है। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको, 200 ग्राम तक की सूजी मैंने ली है। अब इसको मैं डालने वाली हूँ अपने उबले हुए पानी में। अब मैं इसको अच्छी डालने वाली हूँ अपने उबले हुए पानी में। अब मैं इसको अच्छी तरीके से डाल लूँगी। इसके बाद मुझे चलाना है इसको। अब इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक बिल्कुल लो आंच पर पकने देना है, ताकि हमारी सूजी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो गाइस, हमें इसको अच्छी तरीके से चलाना है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, जैसा कि मैं चला रही हूँ। अब इसके बाद हम इसको चलाते रहेंगे, ताकि ये देखिए बिल्कुल कुक हो गया है हमारा रवा। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गया है, हमारी सूजी अच्छी तरीके से पक गई। अब इसको हम साइड करके आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइस, हमें अपने भगोने में घी डालना है। मैं डाल रही हूँ इसमें घी 4 बड़ा चम्मच। अब इस घी को अच्छी तरीके से गर्म करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। गाइस, इस वीडियो को मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है। आई होप आप इस लोग इसे पूरा करेंगे। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो गाइस, हमारा घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे लौंग। मैं डाल रही हूँ 6 से 7 लौंग। अब इसको हमें अपने घी के अंदर डाल देना है और लौंग को हल्का सा तड़कने देना है। जब हमारा लौंग हल्का सा तड़कने लगेगा तो हम इसमें वाटर डालने वाले हैं। ये देखिए मैंने वाटर डाल दिया है। अब इसके बाद इसको हमें अच्छी तरीके से उबलने देना है, जब इसमें बाउल आ जाएगा। तो गाइस, हमने जो अपना वाटर बॉईल करके रखा था, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सूजी में, सूजी को पतला करने के लिए। इससे हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी, क्योंकि हमने तड़का अलग से लगाया है। तो गाइस, जो मैंने तड़का लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि हमारी जो खीर है वो हल्की से पतली हो जाए, और इसमें जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका तड़का बहुत ही बेहतरीन है। और इसको हमने घी और लौंग से लगाया है। तो गाइस, अब इसको आपको अच्छी तरीके से चलाना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और खीर को आप इसको पतला और गाढ़ा अपने मन मुताबिक रख सकते हैं, जैसा कि आप पसंद करें। मैं इसको हल्का सा पतला रखूँगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ऑलरेडी गाढ़ी हो जाएगी। तो गाइस, आप भी इसको थोड़ा पतला ही रखिए। अब आपको इसको सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि इसको बराबर चलाइए, ताकि लम्स ना पड़े। तो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से चला के दिखा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से एक तरफ से घुमा घुमा के चलाना है और नीचे बस भी बराबर चलाते रहना है, ताकि हमारी खीर नीचे से लगे ना। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी खीर बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसे चलाया है। आपको भी ऐसे ही चलाना है। देखिए, लम्स भी है, इसमें कोई लम्स नहीं है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ शुगर, यानी चीनी। तो गाइस, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 300 ग्राम चीनी। आप इसको अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। आप इसके बाद आप इसको चलाइए। तो गाइस, आप मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, और मैंने 300 ग्राम डाला है। तो गाइस, अब इसे अच्छी तरीके से चलाना है, ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, और इसको बराबर चलाते रहिए, ताकि ये जले ना नीचे से, क्योंकि खीर अगर नीचे से लग जाएगी तो उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इसको बराबर चलाते रहना है। तो गाइस, जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, हम इसको साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो गाइस, अब हम खीर के लिए अपने मसालों की तैयारी करते हैं, जो हम मेवा इसके अंदर डालने वाले हैं। तो गाइस, हमने 2 चम्मच घी इस्तेमाल किया है। अब घी को हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा हाई हीट पर नहीं गर्म करना है। ये देखिए, हमारा घी गर्म हो रहा है अच्छी तरीके से। तो गाइस, हमारा घी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब इसमें हमने डाला है 100 ग्राम तक काजू। काजू को आपको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश, ज़्यादा किशमिश नहीं, बस 50 ग्राम किशमिश। अब इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। अब ये हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो रहे हैं। अब इसको आपको बहुत ही लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो इसीलिए आपको ख्याल रखना है अच्छी तरीके से, इसको बिल्कुल लो मीडियम पे अच्छी तरीके से पकाएं। तो गाइस, हमने अपने मसालों को रोस्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गाइस, हमने अपने मेवे को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है, हमें इसे ज़्यादा काला नहीं करना है। बस अब इसके बाद हम इसको निकालने वाले हैं। तो गाइस, अब अपनी खीर में हम दूध ऐड करेंगे। हमने 200 ग्राम तक दूध मलाई वाला इसके अंदर ऐड किया है। मलाई वाला दूध खीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये खीर को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो गाइस, अब इसे अच्छी तरीके से चलाना है और इसको ऊपर नीचे बराबर से चलाना है, ताकि नीचे से लगे ना। गाइस, अब हमें अपनी खीर को अच्छी तरीके से बॉईल करना है, क्योंकि हमने इसमें दूध ऐड किया है। तो ये देखिए बॉईल हो रही है, अभी ये हल्की हल्की बॉईल हो रही है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे हमारी खीर बहुत ही लजीज बनेगी। हम इसमें ऐड करेंगे मावा। मावे को आपको अच्छी तरीके से कद्दूकस से कस करना है, जैसा कि मैंने किया है। तो गाइस, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ग्राम तक मेवा। अब इसको मैं अच्छी तरीके से हाथ से रफ करके डालने वाली हूँ। अब इसके बाद हमें इसे चलाना है अच्छी तरीके से, ताकि हमारा खोया भी खीर में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो गाइस, हमारा खोया अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसके बाद हम इसमें रोस्ट किए हुए काजू और किशमिश डालने वाले हैं। इसे हमें अच्छी तरीके से चलाना है। तो गाइस, अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची, जिससे हमारी खीर बहुत ही लजीज बनेगी। हमने 4-5 इलायची के दानों को निकाल कर अच्छी तरीके से इसका पाउडर बनाया है। अब इसको ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो गाइस, अब लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें केवड़ा, जिससे हमारी खीर का जो खुशबू है वो बहुत बेहतरीन आएगी। तो गाइस, हमें 4-5 बूंद केवड़े के डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं, कि केवड़े की खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो आप इसका यूज़ बहुत संभल के कीजिए, बस 4 बूंद केवड़ा बहुत ही काफ़ी है। अब इसको अच्छी तरीके से चलाकर थोड़ी देर 5 मिनट पकने देना है, फिर हमारी खीर डन हो जाएगी। तो गाइस, हमारी खीर बनकर रेडी है। अब हम अपने गैस को बंद कर देंगे। तो गाइस, ये देखिए हमारी खीर डन है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो गाइस, हमारी खीर बनकर रेडी है। अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। हम इसमें डालेंगे 4-5 किशमिश, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ गर्रे के लच्छे। तो गाइस, हमारी खीर बनकर रेडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर है और देखने में और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, आई होप आप लोग इसे पूरे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।